मैंने पहनी है साड़ी और कल मैं मार्केट से क्या लाई हूँ मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। ये राज का भाई दूज का आउटफिट और ये मैंने ले लिए थे रंगोली के कलर। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज है दिवाली सो हैप्पी दिवाली एवरीवन। आई होप कि आपकी ये दिवाली बहुत अच्छी जाए और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। दिवाली है तो मैंने सोचा व्लॉग तो करना बनता ही बनता है आज, क्योंकि सुबह से ही ना कुछ ना कुछ होता रहता है। और मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कल रात को करने गई थी मार्केट में, जिससे वो दिए वगैरह लाने होते हैं और भगवान जी लाने होते हैं, तो ये सब मैं ले आई थी कल जाकर मम्मी के साथ। और अभी सुबह के 8 बजे हैं, उठते ही मैंने पहले दिए जो मैं लाई थी ना उसको सोख करके रख दिया पानी में, क्योंकि मिट्टी का होता है ना तो पहले अच्छे से सोख कर लो तो सही रहता है। और अब जो सेकंड टास्क है वो ये है कि मम्मी पापा के लिए चाय बना ली है, क्योंकि यू नो कि माय पेरेंट्स आर चाय लवर्स, सो उनको उठते ही चाय चाहिए होती है, सो उनके लिए चाय रख दी है। और फिर मैंने सोचा आप कैमरा फटाफट उठाते हैं और जो जो करूंगी आप लोगों को दिखाती रहूंगी और साथ रखूंगी अपने। अब पहले मैं अपने लिए पानी वार्म कर लेती हूँ, बिकॉज मैंने सुबह उठ के अभी पानी नहीं पिया है और अभी बस फ्रेश होकर ही आई थी, तो फटाफट पानी पीते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। और ये रहे दिए, मैंने सोख करके रख दिया है। और ये रहे पापा, हैप्पी दिवाली पापा। हैप्पी दिवाली, सेम टू यू। और ये रही हमारी शाया, हाय हेलो। और ये रही हमारी चाय, मतलब मम्मी पापा की। जी सो अभी ना फिलहाल का प्लान ये है कि मुझे बेडशीट वगैरह बिछानी है, क्योंकि सफाइयाँ तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, वॉशरूम भी मैंने क्लीन कर लिया था। और कल मैं मार्केट से क्या लाई हूँ मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। सबसे पहले वी गॉट दिस शुभ दीपावली वाला, इसको क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं क्या? नहीं, तोरण तो कुछ और होता है, मतलब जिस पे शुभ दीपावली लिखा होता ना, ये लेकर आए ऐसे लटकाने के लिए। और बहुत वाइब्रेंट सा कलरफुल सा था, तो मम्मी ने सोचा ये ले लेते हैं। और हम लेकर आए थोड़ी बहुत कैंडल्स, ये हमें और लानी पड़ेगी, क्योंकि ये ना जिनसे लिया था तो उनके पास 4-5 पैकेट थे, तो हमने ले लिए। और मैंने थोड़ी ये फ्लोटिंग कैंडल ले ली ताकि थोड़ा ना डेकोरेट करने में मजा आता है। और ये मैंने ले लिए थे रंगोली के कलर्स, ये बहुत ही सारे कलर्स हो गए वैसे तो, मैंने बाद में सोचा कि पता नहीं इतनी बड़ी मैं रंगोली बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ज़ारा भी है ना तो ज़ारा खराब ना कर दे रंगोली, तो मैंने ये कलर्स ले लिए रंगोली के। और थोड़े से हमने गिफ्ट पैक करा लिए थे जो हमें गिफ्ट देने वो। ऑल्सो मैं ये ना चॉकलेट भी लेके आई हूँ, अपने लिए नहीं लाई हूँ बट जो देने हैं ना लोगों को उनके लिए लाई हूँ, ये भी बहुत टेस्टी होती है। एंड ये मतलब मीठे के लिए हमने ये ले लिए थे, मिठाई ना लेकर ऐसा मैंने मम्मी को बोला, थोड़े चॉकलेट वॉकलेट ले लेते हैं। ऑल्सो मैं ये भी लेकर आई हूँ, ये है स्काई लैंटर्न और ये रात को हम उड़ाने वाले हैं होपफुली, क्योंकि घर पे गेस्ट आएंगे, मतलब मामा मामी मासी सब आने वाले हैं, तो हम सारे में सबके लिए 10 ये टोटल ले आई हूँ और हम ये मजे से स्काई में से उड़ाएंगे, बहुत अच्छा लगता है। और डेकोरेशन के लिए ना ज्यादा कुछ तो मैं लेकर नहीं आई हूँ, बट हाँ ये मेरे पास पिछली बार के रखे हुए हैं, पता नहीं कैसे इस बार मेरी संभाल अच्छी हो गई, वरना मुझे हर बार नया लाना पड़ता है, बट हाँ इस बार मेरे पास ये थोड़े बहुत है, ये फूल की लड़ी तो मैं यहीं पे लगा दूंगी। और मंदिर के लिए भी 2 लड़ियां हैं, वो अलग से मैं वहां पे लगा दूंगी, उस पर गणपति पप्पा बने, बहुत क्यूट है। सो ये सब करना है, थोड़े बहुत काम है और फिर आराम से। और मैं आज शाम के लिए जो सोच रही ना पहनने के लिए, वो थोड़ी देर में बताती हूँ, अभी नहीं, एकदम से सब सरप्राइज से निकाल लेनी चाहिए ना, थोड़ी देर में बताऊंगी। तो चादर बिछ गई है, टास्क 1 इज डन। ओके गाइस, सो आई एम ऑल रेडी एंड मैंने पहनी है साड़ी। ओ माय गॉड, मैंने लास्ट टाइम साड़ी आई थिंक 12th में पहनी थी, 12th के फेयरवेल में, और मेरा इतना मन कर रहा था साड़ी पहनने का बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मैंने इस बार सोचा मिट्टी पाओ और चुपचाप साड़ी पहनो, जो पहनने का मन है वो पहनो। ऑल्सो मैंने हल्का सा मेकअप कर लिया है, हैव अ लुक। और बालों को मैंने आगे आगे से बस थोड़े से कर्ल करे हैं और पीछे करने का टाइम नहीं, क्योंकि मासी और मौसा जी आ गए हैं और अभी पूजा भी करनी है हम लोगों को, पापा थोड़ा सा लेट आए हैं। और हाँ, मैंने पूरा दिन कुछ व्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं था, पापा एक्चुअली कैमरा ऑफिस लेके गए थे कुछ काम से, तो इसलिए मैं कर नहीं पाई, बट आई एम लविंग दिस लुक। और ये साड़ी मैंने खुद पहनी है फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि जब मैंने पहले पहनी थी वो भी मुझे किसी और ने बांधी थी, मुझे याद नहीं है किसी से मैंने बंधवाई थी अपने स्कूल टाइम में, और हाँ जो मैंने खुद बांधी मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं आपको वैसे हल्का सा लुक देती हूँ, वैसे तो बाहर जाकर ही दिखाऊंगी। हेयर यू गो, ऐसा लग रहा है कुछ, मैं वैसे बाहर जाकर दिखाऊंगी बट आई एम लविंग इट। और ये मेरा टॉप है और उसको मैंने ब्लाउज की तरह पहन लिया है, बट ये टॉप बिल्कुल ही ब्लाउज की तरह ही है, तो काफी अच्छा जा रहा है। और मैंने ये चूड़ियां भी ले ली थी व्हाइट कलर की, इतनी सोहनी लग रही थी कुड़ी। और यहाँ पे ज़ारा जी बैठ गई हैं। हेलो हेलो, हेलो, हैप्पी दिवाली। ये रहे मौसा जी,
हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा है घर आज देख के। ओहो, बहुत मजा आ रहा है। मुझे कैसा, मैं कैसी लग रही हूँ? और हाँ, सबसे बड़ा सरप्राइज बहुत सुंदर लग रही है। अरे रे रे, थैंक यू। और ये पापा बैठ गए हैं चौमिन खाने, क्योंकि अभी ऑफिस से आए हैं। हाँ, आपका ही है। हमें पता ही नहीं था सिमी का ऐसा भी रूप है भाई। हाँ, देख के चौंक गए ऐसे। आज तो एकदम इंडियन नारी। थैंक यू। और ये दोनों बहनें ट्विनिंग कर रही है, बाय चांस कोई प्लान नहीं था, बट मम्मी ने भी यही सूट पहना है और अभी चुन्नी मम्मी ने ऐसे अजीब से कर रखी है। बट हाँ, मम्मी और मासी का सूट सेम है एकदम, एक ही थान से कटा है। हाँ, एक ही थान। नहीं, मासी ने अलग एम्ब्रॉयडरी कराई, मैंने अलग करवाई। हाँ, दोनों ही बहुत प्यारी लग रही है, लाल परियां। और डिनर में बने हैं छोले, वाइट छोले जो होते हैं, और साथ में आलू, जीरे वाले आलू, और चावल हम बाद में बनाएंगे। और छोले का भी मसाला हो ही गया है ऑलमोस्ट। मैं चली गई कैटी ने, मासी ने वो मासी हेल्प करवा रही थी, बस सबके हाथ लग जाती है इसमें। हाँ, और यहाँ पे दिए वगैरह कर दिए है, अभी पूजा करनी है तो हमने पहले ही इसमें ऑयल डाल के रख दिया है। जैसे आपको स्लैब अभी वैसी वैसी लग रही है। पूजा हो गई है और अब हम लोग दिया जला रहे थे, पापा भी गए हैं नीचे कैंडल और दिया लगाने, और पीछे हमने बालकनी में भी लगा दिया, मैंने रंगोली पे भी लगा दिया है। रंगोली मैं आपको दिखा देती हूँ, इतनी सुंदर लग रही है। मैंने दोपहर को बनाई थी, बट ऑफ कोर्स तब मैं व्लॉग नहीं करी थी क्योंकि कैमरा नहीं था। और अब आ गए हैं दूसरी फैमिली, मामा की फैमिली आ गई है, बड़े वाले। हाय यादव। छत पर, क्योंकि यहाँ पे मामा वगैरह थोड़े बहुत पटाखे कर रहे हैं, और मैं लेके आई थी लैंडर, और उतने आने में मैं सांस फूली हुई है। ये लोग पता नहीं क्या रॉकेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हो? मैं तो नीचे जाना चाह रहा हूँ। हम लोग को पटाखे पसंद है। ये तो शिवानी दुकर को बहुत पसंद है बम पटाखे। पापा झूठ बोल रहे हैं, ये मामा को पसंद है। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पसंद। मैं हम लोग ये जलाने वाले हैं, मासी मौसा जी पापा, हम लोग सब यही जलाएंगे। होते हुए दिख रहे हैं, दो तीन ऑलरेडी हमने, तीसरा ये है, दो जला चुके हैं, तीसरे का भी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। अरे अरे अरे, पता नहीं होगा नहीं होगा, होपफुली हो जाए। हाँ, अभी मैं वैसे 10 लाई थी, 3 वेस्ट हो गए, 7 पीस बचे हैं, बाद में ट्राई करेंगे कभी। चलो, हमारा एक तो उड़ गया, मामा और मामी ने उड़ा दिया, पर बाकी तो सारे जल गए, अब पता नहीं क्या ही हो रहा है। हाय गाइस, ओके, सो आज है भाई दूज, सो मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉग, एंड हैप्पी भाई दूज टू एवरीवन। एंड आप ये व्लॉग बाद में देखने वाले, तो आई होप कि आपका भाई दूज और आपकी दिवाली बहुत बहुत अच्छी गई हो। तो दिवाली वाले दिन क्या हुआ ना, कि मैं नीचे आ गई थी थोड़ी देर बाद, हम पहले ऊपर थे ना, पटाखे चला रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग नीचे आए, डिनर किया, डिनर मैंने आपको बता दिया था कि क्या बनाया, और फिर सब चले गए अपने घर, दोनों मामा अपने अपने घर चले गए, और मासी यहीं रुक गई थी क्योंकि अगले दिन हमें कुछ काम था, तो मासी ने यहीं पर स्टे किया था। सो उसके बाद मैंने कुछ ज्यादा व्लॉग नहीं किया, तो आज मैंने सोचा भाई दूज भी दिवाली वाले व्लॉग में ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि आज भी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा तो कुछ बनेगा नहीं, बट जो भी थोड़ा थोड़ा हम करेंगे वो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। सो अभी सुबह के 9 बजे हैं और हम जा रहे हैं मामा के घर। मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, क्योंकि सुच्चे मुँह जाना होता है, मतलब ऐसा मैं करती हूँ राखी और भाई दूज वाले दिन, तो इसीलिए अभी तक कुछ खाया वाया नहीं है। वहीं जाएंगे, वहाँ पे भाई को पहले टिक्का करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद घर आएंगे, जैसे जैसे जो होगा आई लेट यू गाइज नो इन द व्लॉग। सो व्लॉग को पूरा देखिए। एंड मैंने आज कुछ ऐसा इंडियन नहीं पहना है, बट मैंने स्कर्ट पहन लिया और टॉप पहन लिया, और बस बालों को ऐसी साइड में थोड़ा ब्रेड कर लिया ताकि थोड़े टिके रहे बाल। एंड अब चलते हैं, मेकअप भी कुछ नहीं किया है, बस एक लिपस्टिक लगा लिया, क्योंकि सुबह सुबह कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। ये रहा हमारा मास्क, ये रहा हमारा फोन, और अब चलते हैं। ता-रा! सो ये
रहा मेरा आज का आउटफिट। मेरी स्लीपर इग्नोर करना, घर की स्लीपर है क्योंकि नीचे है मेरा फुटवेयर। सो ये मैंने स्कर्ट ली थी यूनिक्लो से, इसको एक साल हो गया है। और ये टॉप है अर्बैनिक से, एंड ये बैग मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। सो हेयर यू गो, ये रहा आज का भाई दूज का आउटफिट जो कि बिल्कुल भी इंडियन नहीं है, बट ठीक है यार, कभी कभी चलता है। और ये रही मम्मी। हेलो। हेलो गाइस, हैप्पी भाई दूज। हैप्पी भैया दूज। हाँ भैया दूज। और मम्मी को थोड़ा सा कोल्ड हो गया है क्योंकि मौसम बदल रहा ना, तो थोड़ा फीवर कोल्ड और कफ था एक दो दिन से, अभी भी है कोल्ड वगैरह। कल मेडिसिन लेकर आए, पर पहले से बेटर है थोड़ा, पर पहले से बेटर है थोड़ा। और ये हमारी मिठाई जो मैं और मम्मी ले आए थे भाई दूज के लिए, ये मामा के घर लेके जाएंगे। तो मेरे ना एक मामा को ये मिठाई पसंद है, और वो क्या है मैं वो वहीं बताऊंगी, और एक मिठाई दूसरे मामा को ये मिठाई पसंद है, तो हम दोनों के लिए अलग अलग लाते हैं हमेशा। दूसरे वाले मामा का यहीं रखते हैं डब्बा, और जिनके घर जा रहे हैं उनका डब्बा ये रहा। सो लेट्स गो, क्योंकि दूसरे मामा यहीं आएंगे भैया। हाँ दूसरे मामा यहीं आने वाले हैं। और आप कौन से मामा हो भाई? है यू गुड मॉर्निंग छोनी पारा छोना बच्चा गुड मॉर्निंग जा रहा। ओके जी, सब पहुंच गए मामा मामी के घर। गेट के बाहर थोड़ी आएगी। हमने कर लिया है और अब बारी है खाना खाने की, क्योंकि मामी ने नूडल्स बनाए हुए ब्रेकफास्ट के लिए, तो हम वो खाने वाले हैं। और आदू जी आ गए हैं। हेलो। कुछ बोलेगा नहीं लड़का, ऑफ कैमरा ये बहुत व्लॉग करने लग गया आजकल। ऑफ कैमरा बोला अपने लिए करता है, इस पे व्लॉग में आके नहीं बोलेगा। बोलो बोलो। पीछे कैस्पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही है क्योंकि हमने उसको बाहर रखा था और अंदर नहीं लाया है, और मम्मी को डर लगता है इसलिए अंदर नहीं लेकर आए, क्योंकि वो ऐसे एक्टिव हो जाती है बहुत ज्यादा। और ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, होममेड चाउमीन। और ये नगेट्स है। हाँ, और ये जिन्होंने बनाया है। हाय गाइस, बहुत टाइम, लॉन्ग टाइम नो सी। घर से आने के बाद मैं आलू पूरी बनाने लग गई थी, क्योंकि मेरे छोटे वाले मामा आने वाले थे, तो हमने ब्रेकफास्ट तो क्या ब्रंच ही हो गया था, वो थोड़ा लेट हो गए थे आने में, तो उनके लिए मैंने आलू पूरी बना ली थी। और उनको भी टिक्का लगा दिया था, मैं और मम्मी दोनों ही लगाते हैं, मम्मी के तो भाई ऑब्वियसली, बट मैं भी लगाती हूँ उन्हें, क्योंकि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि मैं अपने छोटे मामा को राखी भी बांधती हूँ और टिक्का भी लगाती हूँ, क्योंकि मेरा भाई नहीं था ना बचपन में कोई, अब तो मनादू है, मतलब मेरे बड़े मामा के बेटे हैं दोनों, बट बचपन में मेरा कोई भाई नहीं था, तो मैं मामा को भी बांधती थी दोनों मामा को, तो इसलिए फिर मैं उनको अभी तक बांधती हूँ मेरे छोटे मामा को। और टिक्का विक्का किया मजे से, अपना उनको लंच करवा दिया, ब्रंच वगैरह जो भी बोल लो। और अब मैं व्लॉग को यहीं एंड करने वाली हूँ, क्योंकि ये व्लॉग दिवाली और थोड़ा सा भाई दूज का भी हो गया, कुछ इतना हम करते नहीं है टिक्के वाले दिन, इतना कुछ ग्रैंड तो नहीं था, जितना भी थोड़ा बहुत किया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप कि आपको ये व्लॉग देखने में मजा आया होगा, अगर व्लॉग देखने में मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। और एक सेकेंड, हाँ, और पीछे मम्मी कुछ बोलने लग गई थी। सो हाँ जी, अगर वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब मैं आपसे मिलूंगी कल विद अ न्यू वीडियो, कल या फिर मोस्ट प्रोबेबली परसों। और अब मैं क्या डाइट कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ, वो मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ, सो उसके लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगी कि वीडियो आ गई है। और जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना, एंड आई विल मिस यू टू। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, बाय।